7 प्रो एंड्रॉइड टिप्स बाय अ प्रो एंड्रॉइड यूजर, और वो प्रो एंड्रॉइड यूजर और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूं। ये सारे टिप्स एकदम यूनिक हैं, बिकॉज मैं ये सारे टिप्स कहीं से देखकर आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, ये सारे टिप्स मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड हैं। दीज टिप्स हैव हेल्प मी टू कीप माई Redmi Note 7 Pro इन सच गुड कंडीशन दैट इवन आफ्टर 2.5 ईयर्स दिस इज हाउ इट लुक्स एंड देर आर लिटरली जीरो हार्डवेयर प्रॉब्लम्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ आवर प्रीशियस टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट टिप, अंडरक्लॉकिंग। जैसे ओवरक्लॉकिंग के एडवांटेजेस होते हैं, वैसे ही सेम अंडरक्लॉकिंग के भी एडवांटेजेस होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा एडवांटेज है इनसेन बैटरी लाइफ। एंड ट्रस्ट मी, जस्ट बाय चेंजिंग द गवर्नर टू पावर सेव यू कैन इंक्रीज योर फोन्स बैटरी एफिशिएंसी अप टू 50-60%, वो भी बिना सीपीयू का क्लॉक स्पीड चेंज किए। मैं तो हमेशा सीपीयू गवर्नर को पावर सेव पर ही रखता हूँ, अदरवाइज अगर गेम वगैरह खेलना होगा या फिर मल्टीटास्किंग करना होता है तो चेंज करता हूँ, दैट्स इट। नॉर्मल गवर्नर में इवन अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा बैटरी यूज़ होता है, वही सेम अगर आप पावर सेव गवर्नर में करते हैं तो थोड़ा परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा बट बैटरी काफ़ी ज़्यादा कम यूज़ होता है। एंड दिस सेम अप्लाइज फॉर एवरीथिंग ऑन योर फोन। बैटरी बचाने के लिए फ़ोन का बैटरी सेवर यूज़ करना, मोबाइल डेटा ऑफ करना, फ़ोन को फ्लाइट मोड पर डालना, ये सब नल्ले टिप्स हैं। कभी गवर्नर चेंज करके देखो, पता चलेगा प्रोफेशनल बैटरी सेविंग किसे कहते हैं। ये ट्रैवलिंग के वक्त काफ़ी यूजफुल साबित होता है, बिकॉज ट्रैवलिंग के वक्त मोस्टली आपका फ़ोन यूजेज जो है वो कैजुअली होता है, लाइक कॉल्स अटेंड करना या फिर मूवीज देखना या फिर म्यूजिक सुनना एक्सेट्रा। एंड इसके लिए आपको अपने फ़ोन का पीक परफॉर्मेंस नहीं लगता, सो वाई फोर्स योर CPU टू वर्क एट हाई स्पीड्स, मेक्स नो सेंस, राइट? नाउ दिस वन इज ट्रूली अ प्रो टिप। डेवलपर ऑप्शंस में अंडर द ब्लूटूथ सेक्शन आपको ब्लूटूथ कोडेक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपका फ़ोन जितने भी ब्लूटूथ कोडेक्स सपोर्ट करता है वो सारे लिस्टेड होंगे। एंड ये कोडेक्स आपके ब्लूटूथ डिवाइस के ऑडियो क्वालिटी को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। सपोज अगर आपका फ़ोन और आपका ब्लूटूथ डिवाइस दोनों क्वालकॉम APTX ऑडियो कोडेक सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप उसमें SBC ऑडियो कोडेक यूज़ कर रहे हैं, तो आपका साउंड क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। इट्स लाइक आपके पास एक PC है जो FIFA 22 रन कर सकता है, लेकिन आप उसमें FIFA 17-18 खेल रहे हो। सो जब भी कोई ब्लूटूथ ईयरफोन या हेडफोन लेने जाओ तो जितना ध्यान से उसका प्राइस, बिल्ड क्वालिटी, बैटरी लाइफ चेक करते हो, उतने ही ध्यान से एक बार ये भी देख लेना कि वो डिवाइस कौन सा ब्लूटूथ कोडेक सपोर्ट करता है। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट रियली केयर अबाउट दिस, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं होता कि ब्लूटूथ कोडेक्स कितने मैटर करते हैं। दिस इज नॉट समथिंग यू शुड इग्नोर। सबसे पहली बात, ऐप इन्फो में जाके जो ऐप डिजेबल होता है, मैं उस डिजेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स स्टिल द सेम एंड आई विल शो यू द लाइक बॉस वे टू डू इट विद जस्ट वन सिंगल टैप। हमारे फ़ोन में ऐसे काफ़ी सारे ऐप्स होते हैं जो रेयरली यूज़ होते हैं, लाइक शॉपिंग ऐप्स, ट्रैवलिंग ऐप्स, फूड डिलीवरी ऐप्स एंड ऑल, और ये ऐप्स हमेशा बैकग्राउंड में रन करते ही रहते हैं, अफेक्टिंग योर डिवाइसेस परफॉर्मेंस, बैटरी एंड डेटा, इवन जब हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती तब भी। और हम इन्हें अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते, बिकॉज ओकेजनली हमें इन ऐप्स की ज़रूरत पड़ती है कभी कभार। एंड टू डील विद सच ऐप्स इन अ सिंगल टैप, यू कैन यूज़ लकी पैचर विजेट्स टू इनेबल एंड डिजेबल दीज ऐप्स बाय जस्ट बाय अ सिंगल टैप। ऑल यू नीड टू डू इज पिक द लकी पैचर्स इनेबल डिजेबल ऐप्स विजेट एंड प्लेस इट ऑन योर होम स्क्रीन, देन सेलेक्ट द ऐप यू वॉन्ट टू डिजेबल एंड योर डन। नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई ऐप इनेबल या डिजेबल करना होगा, आप सिंपली इस विजेट पे एक टैप करके एक्शन कंप्लीट कर सकते हो। इस तरह से जो ऐप आपको जब चाहिए होगा तब आपको मिल जाएगा, एंड जो ऐप की ज़रूरत जब आपको नहीं होगी तब वो लिटरली आपके डिवाइस में नहीं रहेगा। दिस विल सेव यू फ्रॉम अनवांटेड रैंडम नोटिफिकेशंस, योर डिवाइसेस परफॉर्मेंस वोंट डिग्रेड, योर डेटा विल बी सेव्ड एंड योर बैटरी लाइफ टू। क्विकेस्ट वे टू नोट डाउन समथिंग इन योर फोन इन इमरजेंसी। आपको अगर अर्जेंट में कुछ नोट डाउन करना होता है अपने फ़ोन में तो आप कैसे करते हो? यू गॉट 5 seconds, थिंक अबाउट इट। ऑलराइट, सो टाइम्स अप, एंड मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या सोचा है, बट द मोस्ट कॉमन वेज अकॉर्डिंग टू मी आर राइटिंग इट डाउन इन द गूगल सर्च, राइटिंग इट डाउन इन व्हाट्सएप चैट, नोटिंग डाउन फोन नंबर्स इन डायलर, या फिर आप अपने ऐप ड्रॉवर में जाके कोई नोट ऐप या फिर गूगल डॉक में नोट डाउन कर सकते हो।
ये सारे तरीके थोड़े फास्ट हैं बट दे आर नॉट द फास्टेस्ट एंड नॉट द मोस्ट कन्वीनियंट. सो द लाइक अ बॉस वे टू डू दिस इज टू क्रिएट नोट पैड विजेट्स. ऑल यू नीड टू डू इज पिक अ नोट विजेट, प्लेस इट ऑन योर होम स्क्रीन एंड आई नेम दिस एज इमरजेंसी फॉर नाउ. अभी मेरे को जब भी अर्जेंट में कुछ भी नोट डाउन करना होगा मैं डायरेक्टली यहाँ से ये इमरजेंसी विजेट ओपन करूंगा एंड ईजिली कुछ भी नोट डाउन कर सकता हूँ. दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट प्रोफेशनल एंड क्विकेस्ट वे फॉर क्विक नोट्स. स्विच सिस्टम एप्स विथ थर्ड पार्टी एप्स. डू यू गाइस नो दैट आपके फोन में जो प्री इंस्टॉल्ड सिस्टम एप्स होते हैं लाइक ब्राउजर, म्यूजिक प्लेयर, कैलेंडर, कैलकुलेटर, फाइल एक्सप्लोरर, गैलरी, वॉइस रिकॉर्डर एक्सेट्रा एंड ऑल दैट, ये सारे ऐप्स ऑब्वियसली यूजफुल तो होते हैं बट ये बेसिक ऐप्स होते हैं विद लिमिटेड फीचर्स एंड लोगों को लगता है ये ऐप्स सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं तो ये सबसे अच्छे ऐप्स होंगे, सबसे सिक्योर ऐप्स होंगे, सबसे फास्ट होंगे एंड इन्हें अनइंस्टॉल कर दिया तो फोन खराब हो सकता है एंड ऑल दैट. बट ट्रस्ट मी, प्री इंस्टॉल्ड सिस्टम ऐप्स आर द वर्स्ट व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस एंड फीचर्स, लाइक नॉट ऑल ऑफ देम बट मोस्ट ऑफ देम. आप जो भी ऐप्स रिप्लेस कर सकते हो थर्ड पार्टी ऐप से रिप्लेस कर दो. फॉर एग्जाम्पल रिप्लेसिंग क्रोम विथ ब्रेव ब्राउजर, डिफॉल्ट म्यूजिक ऐप विथ एनी थर्ड पार्टी म्यूजिक ऐप एक्सेट्रा. इट विल बी अ मच बेटर एक्सपीरियंस विथ एक्सटेंडेड फीचर्स एंड ग्रेट परफॉर्मेंस. मेरे फ़ोन में स्टॉक कैमरा ऐप तक नहीं है, मैंने काफ़ी पहले उसको अनइंस्टॉल कर दिया था बिकॉज मॉडर्न गूगल कैमरा उससे काफ़ी बेटर है एंड काफ़ी सारे फीचर्स भी हैं इसमें जो स्टॉक कैमरा ऐप में नहीं थे. And this applies for a lot of apps like gallery, music player, voice recorder, file explorer, etc. So please stop considering system apps as the best because they are not. It's time to switch now. Do you guys know that आपके power button का भी life span होता है? Like आपके हर एक press के साथ आपके power button की उम्र बढ़ती जाती है. And you know what aging does? It kills. So हर बार screen on करने के लिए power button press करने से अच्छा है स्क्रीन टैप करके ये एक्शन करो. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु यूज देयर पावर बटन फॉर दिस इवन दो दे हैव गॉट टैप टू वेक फीचर ऑन देयर डिवाइस. आजकल मोस्ट ऑफ द फोन्स में डबल टैप टू वेक फीचर होता ही है और डिस्प्ले टर्न ऑफ करने के लिए आप नोवा लॉन्चर या फिर कोई दूसरा थर्ड पार्टी लॉन्चर यूज कर सकते हैं जो जेस्चर स्क्रीन ऑफ सपोर्ट करते होंगे लाइक स्वाइप या फिर टैप से. आपका फोन रूटेड होगा तो नोवा लॉन्चर में ये बिल्कुल एक सिस्टम फंक्शन के जैसा ही काम करेगा, सुपर क्विक एंड स्मूथ. और अगर आपका फोन रूटेड नहीं है तो आप एक्सेसिबिलिटी इनेबल करके ये फीचर यूज कर सकते हैं बट इट वॉन्ट बी एज स्नैपी एज ऑन रूटेड फोन्स. टिप नंबर 7, कस्टम बूट एनिमेशंस. Now this one is a bit enthusiastic tip and you can ignore this if you feel it's too much. लेकिन फिर भी custom boot animation से आपको थोड़ा pro Android user वाला feel आ सकता है. Like I have something special on my phone that probably the 80% of the world is unaware of. And अगर कोई normal इंसान आपका phone boot होते हुए देख लेगा with custom boot animation, trust me they will be blown away. और कोई मुश्किल काम भी नहीं है, आपको सिर्फ एक rooted phone लगेगा एंड कोई भी एक कस्टम बूट एनिमेशन वाला ऐप ले लो, दैट्स ऑल. नाउ नेक्स्ट टाइम व्हेन यू बूट योर फोन और रीबूट योर फोन इट इज़ गोइंग टू लुक सुपर कूल एंड वेरी यूनिक एज वेल. एंड वंस अगेन इट्स नॉट रियली नेसेसरी बट यू कैन गिव इट अ ट्राई. So these were the 7 tips that I wanted to share with you guys based on my personal experiences. And before we end the video, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. वीडियो देखने के बाद वीडियो के कमेंट्स में फीडबैक दिया करो बिकॉज ये वीडियोस मैं अपने लिए नहीं आप लोगों के लिए बनाता हूँ एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो व्हाट यू गाइस थिंक ऑफ माय वीडियोस. सो प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक, दैट्स ऑल आई आस्क. एंड विद दैट सेड लेट्स एंड द वीडियो. आई होप यू गाइस एंजॉयड इट एंड इफ यू डिड मेक श्योर यू ड्रॉप अ लाइक एंड फील फ्री टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट इट. आई एम मैक्स साइनिंग आउट फॉर नाउ एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. Thank you.